में पड़ा था, कैसे जी रहा था मैं दीवाना। चुप कैसे आके तूने दिल में समा के तूने छेड़ दिया कैसा ये फसाना। ओ वो क्या होता है, वो जो स्टेप करके कहते हैं अख्तर लावा, वो करके दिखाएं। वो लावा जिस पे कहते हैं अख्तर लावा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्या बात है न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपकी होस्ट मिशी खान। नाज़रीन, आप एक्ट से पहचान सकते हैं कि हम किन के घर पे मौजूद हैं। ये हैं भोले के छोटे भाई जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये भोले के छोटे भाई और ये दोनों एक ही एक्ट क्यों करते हैं, एक जैसे क्यों हैं, क्या ये ट्विंस हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बोर्ड पे अड़ूँ टुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप बहुत प्यारे हैं कि बहुत प्यारे कह रहे हैं? प्यारा कहे मैंने मिशनी ना, ऑटो रिबिस्टी नहीं करनी, बंद करा दूंगा मैं सारे कैमरे तुम्हारे। हाँ मेरे से बटमीज नहीं करनी ज्यादा। मैं इतना प्यारा बोला, मैंने प्यारा हूँ, नजर नहीं आ रहा ठीक है। प्यारा कुर्ता पहना हुआ मैंने, मेरी माँ ने किसका पहना है? किसका पहना है? किसका पहना है? मेरा अपना है, मेरी मेरी दुल्हन ने लेकर दिया था। दुल्हन ने लेके दिया था कि ससुराल वालों ने दिया था? नहीं, दुल्हन मेरी, दुल्हन ने मेरी, दुल्हन ने लेके दिया था मुझे। हाँ जी जी हाँ जी। दुल्हन कहाँ पे आपकी? मेरे दुल्हन तो वो मेरी दुल्हन पता नहीं, मुझे बता के नहीं जाती। वो बड़ी बटमीज है, तेज है बड़ी, वो बड़ी तेज है, मुझे बता के नहीं जाती। वो 20 रुपए के पकौड़े तो लेने गई? तुझे कैसे पता 20 रुपए के पकौड़े लेने गई है वो? तो आप मांगते तो रहते हो 20 रुपए के पकौड़े। तो मैं तो 22 रेडी वाले भाई से मांगता हूँ भाई, 20 रुपए के पकौड़े दे दे मुझे, बड़ी भूख लगी है अम्मी, मुझे 20 रुपए के पकौड़े ला दे भाई। बड़े भाई कहाँ पे आपके जो एक्ट करते हैं कि आप दोनों ने सीखा हुआ है कि दोनों पैदाइशी ऐसे हैं? नहीं 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 नहीं, वो हमने सीखा तो नहीं है। वो तो ये देख वो क्या कहते हैं उसको, वो जो लोग बनाते हैं वो टिकटॉक बनाते हैं ना, TikTok वो वाश, देखते वाश, हैं वाश, आप? हाँ जी हाँ जी, मैं देखता हूँ टिकटॉक। टिकटॉक पे किसको ज्यादा देखते हैं? मैं भोले को ज्यादा देखता हूँ, भोला मेरा लव है, मेरी जान है भोले। तो आप अख्तर लावा को भी जानते होंगे? इसको मैं जानता हूँ जानता हूँ, वो जिसकी टुई पे छेड़ने काटा ना, बड़े मजे आए थे टुई पे काटा था ना, मुझे बड़ा मजा आया था, मजे आ गए थे। अच्छा, वो जो है मानो, मानो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मानो को देखा टिकटॉक पे आपने, जो इतनी फेमस हो गई है एक सॉन्ग पे? नहीं नहीं, मैं तो कौन है मानो, मानो मैं नहीं जानता कौन है। जिसने वो वाले सॉन्ग पे डांस किया अपनी दोस्त की शादी पे, मेरा दिल ये पुकारे आजा। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो ऐसे कटिया मैंने देखी है, वो मेरी दुल्हन की डर लगती है, बड़ी प्यारी है वो। अच्छा, मतलब दुल्हन वाली निगाहों से आप उसको देखते हैं ना? नहीं तुम बटमीजी तो करिए मिशनी ना ऑटो बटमीज ना ऑटो। तुम्हारी मम्मा ने तुम्हारी बीवी को बताओ, मैं तुम लोगों के बीवियों को अपनी नजर से देखती हूँ। नहीं, मेरी दुल्हन को नहीं बताना, दुल्हन को नहीं बताना, छोटी छोटी बोली से गलती होगी, मैं दुल्हन को नहीं बताना, मेरी नाम दुल्हन मारती है। नहीं नहीं, वो तो मुझे बड़ा प्यार करती है, वो तो मुझे सुबह 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 सवेरे उठ के मुझे वो बना के देती है, वो जो बल्लों वाले पराठे होते हैं, पराठे अच्छे 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 करके मुझे पराठे बना के देती है, शायद ऑमलेट अंडे वाले पराठे आए आए, बड़े तब भी तो आपकी सेहत ऐसे की है। क्या है मेरी शेट को, तुझे पता है अभी तो मैं उधर भी जाता हूँ, वो जहाँ वो पहाड़ी पहाड़ी चीजें उठाते हैं, कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ, उधर भी जाता हूँ मैं, मेरे डोले डोले डोले। अख्तर लावा को तो आपने बताया कि आप काफी देखते हैं, उनका सिग्नेचर स्टेप आपको पता है? अख्तर लावा को देखता हूँ मैं, देखता हूँ वो टुई वाला सिग्नेचर स्टेप पता है आपको उनका? वो क्या होता है, वो जो स्टेप करके कहते हैं अख्तर लावा, वो करके दिखाएं। वो लावा जिस पे कटा है लोडा पावा अख्तर लावा, ऐसे जो कटा है वो वाला आटा है, मुझे आटा है मुझे, वो आपने करके भी दिखा दिया, शायद वो मेरे मुंह पे भी आपका पंच लगने लगा। वो खुदी तो बोला है मुझे मिशनी ना ऑटो, खुदी तो बोला है मुझे, खुदी बोला तो मैंने किया। अच्छा, मानो का सिग्नेचर स्टेप आता है? वो तो गंदे स्टेप नहीं करता मैं, मेरी अम्मी कहती है अल्लाह गुनाह देता है, ऐसे नहीं करता मैं। तो करके दिखा रहे हैं साथ साथ। तो मैं कोई लड़की थोड़ी हूँ, मैं तो लड़का हूँ, बोला लड़का है, वो बोला तो कर सकता है। हाँ जी हाँ जी जी। अच्छा, मुझे बताइए अब तक आप इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं क्या?
नहीं। वो क्या होता है? आपने बताया ना कि आप ड्रामों में काम कर चुके हैं, आपके बड़े भाई कर चुके हैं। मैं बोला साहब, और आप मैंने कब बोला है? झूठ झूठ क्यों बोल रही है तू? मैंने कब बोला है तुझे? अभी थोड़ी देर पहले कहा है ना कि मैं इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करता हूँ। मैंने कब बोला है झूठी मीशनी? मैं अम्मी को बुलाओ, मेरी झूठ बुलवा रही है मेरे से। मैंने तो बोला ही नहीं ऐसे, झूठी ना ऑटो। मैंने कब बोला है? अम्मी को क्यों बुलाते हैं बात बात पे? अम्मी मेरे से प्यार करती है ना। अम्मी 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 जो करती है मैं वो करता हूँ। हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी। अम्मी ने आज मुझे बोला है कि वो तुझे तुझे टीवी 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 वाले देखने आ रहे हैं। आपको ड्रामा इंडस्ट्री में कहीं पे भी काम करने का मौका मिले तो आप करेंगे? मैं जाऊंगा। बोले के साथ काम करना है। बोला तो आपका बड़ा भाई है, बड़े भाई के साथ काम करना। हाँ तो हाँ तो बड़े भाई के साथ काम नहीं कर सकते क्या? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मैं भी बड़े भाई के साथ काम करूंगा। अच्छा जरा पकोड़े तो मांग के दिखाए हमें। तू खिलाएगी मुझे पकोड़े? खिलाएगी तू मुझे? हाँ, मैं खिलाऊंगी। तुम बताओ, तुम पकोड़े वाले भाई, पकोड़े वाले भाई 20 रुपए के पकोड़े टेढ़े, बड़ी भूख लगी गरीब के बच्चे को। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आए गरीब के बच्चे को 20 रुपए के पकोड़े खिलाने, बड़ी भूख लगी है मुझे। आए बड़ी भूख लगी है। इसके अलावा बोलेगा कोई एक डायलॉग ऐसा ही आपको याद हो तो? मैं क्यों बताऊं तुझे? तू मुझे पैसे देगी? 20 रुपए देगी तो बता, मैं बता दूंगा तुझे। हाँ मैं तुम्हें 20 रुपए जरूर दूंगी। मुझे 20 रुपए दे, 20 रुपए दे मुझे, 20 रुपए दे पहले, मुझे 20 रुपए दे पहले। ये क्या कर रहे हो साथ साथ? बोले बोला बीमार है, बोले कुछ काम लगा हुआ, बोले कुछ देखो, बोले कुछ नोजी आती है तो बोला बोला शाह भी तो करेगा ना पीड़, फिर पाड़ी 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 लड़कियां मेरी डुलन मेरी डुलन मेरी डुलन मेरे पास नहीं ना आएगी। पर बोले बोले कितनी डुलन है आपकी? एक ही डुलन है मेरी, सबकी एक ही होती है। तेरी कितनी डुलन है तू बता? तेरी है डुलन? मेरा तो दूल्हा होगा ना डुलन थोड़ी। तेरे कितने डुले होंगे बता ना जरा मुझे। मेरा एक ही है। तो मेरी भी एक ही डुलन होगी ना। हाँ बेवकूफ ना ऑटो, कैसे चवाल कटी है बेवकूफ। तुमने बोला प्यारी प्यारी लड़कियां मेरे पास नहीं आएंगी। मैंने तो नहीं बोला। एक तो भूला बोला जो है वो झूठा बोलता है। मैं झूठा नहीं हूँ, झूठ बोलने वाले को बोला शजाट डट जो पता नहीं है मीशनी ना ऑटो। जा पड़े कर इसको, मैं नहीं झूठ बोलता। जा मेरी 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 मामा को बुलाओ, मेरी को अम्मी को बुलाओ। हाँ। क्या करवाना है अम्मी से? नौजी साहब तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा मैं खुद कर सकता हूँ। बोले को अल्लाह ने आट दी है, रुमाल दी है, ये देखो ये अल्लाह ने रुमाल दी है। बोला खुद कर सकता है, बोले को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तुम्हें करनी है तो बड़ा बदतमीज ना ऑटो। जी चले अब भोले का एक्ट खत्म हुआ, अख्तर लावा का खत्म हुआ, मानो का एक्ट खत्म हुआ। अब हम आपकी रियल जो जिंदगी है उसके बारे में जानना चाहेंगे। आप ये सब एक्ट कैसे कर लेते हैं? क्या आपने सीखे हैं? क्या किया है आपने ऐसा जो आप हर किसी को कॉपी कर लेते हैं? जी नहीं, मैंने सीखा कहीं से नहीं है, बस मुझे शौक है। मेरे घर में मेरी मदर हैं और मैं हूँ, तो मेरी मदर जो जब ड्रामा देख रही होती है तो मैं बड़े गौर से देख रहा होता हूँ कि यार ये लोग किस तरह से एक्ट कर रहे हैं। मुझे एक मतलब शौक है कि मैं भी टीवी स्क्रीन पे आना चाहता हूँ, लोग मुझे टीवी पे देखें, मुझे मौका मिले। बल्कि मेरी रिक्वेस्ट है जो भी कोई प्रोड्यूसर्स मुझे देख रहे हैं, अगर उनको मेरा कोई एक्ट पसंद आता है और अगर मेरी कुछ खामियाँ भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सीखना तो पड़ता है, इंसान सारी ज़िंदगी सीखता है, तो अगर कोई मुझे सिखाना चाहे तो मैं बिल्कुल, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे एक चांस दे के देखें। नहीं मैं इंशाल्लाह अच्छा काम करूंगा इंडस्ट्री में और पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूँ। इस टाइम आप क्या करते हैं, क्या जॉब करते हैं आप? इस टाइम मैं ओकुलस ट्रैवल एंड टूर्स कंपनी के अंदर एज अ MD वर्क कर रहा हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ मैं वहाँ पे। हमारी कंपनी टूरिज्म कंपनी है, हम लोग इंटरनेशनल ट्रैवल्स करवाते हैं, लोकल ट्रैवल करवाते हैं, देन हम लोग डिफरेंट शूट्स के लिए लोगों को बुलाते हैं। हमारे पास काफ़ी मल्टीपर्पज़ कंपनीज हैं जिनके लिए हम काम करते हैं। मुझे गॉड गिफ्टेड वॉइस है, अल्लाह ने बड़ी अच्छी आवाज़ दी है, तो मुझे गाना भी पसंद है। मैं अपनी वाइफ के लिए ये सॉन्ग डेडिकेट करूँगा, अपने मिसेस को माही। मैं तो यूं खड़ा किस सोच में पड़ा था, कैसे जी रहा था मैं दीवाना। चुप कैसे आके तूने दिल में समा के तूने छेड़ दिया कैसा ये फसाना। ओ मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है, दिल लगाने का तू ही तरीका है। एतबार भी तुझी पे होता है, आऊँ होश में मैं कभी। बाहों में है तेरी जिंदगी, है
सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर। थैंक यू वेरी मच। जब आप उनको सॉन्ग सुनाते हैं वो राजी हो जाती है, नाराज भी होती है लोग? जी अबल तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी मेरी मिसेज मुझसे नाराज हुई हो। ये सरासर झूठ है, ये झूठ है 110% ये झूठ है। नहीं ऐसा नहीं होता, घरों में छोटे मोटे इश्यूज हो जाते हैं, वो नाराज तो होती है ना। हमारी नाराजगी मैक्सिमम जो मैंने नोट किया था, हमारी नाराजगी सिर्फ 2 घंटे की होती है। 2 घंटे के अंदर अंदर ऑटोमेटिकली हम लोग एक दूसरे को बुलाने लग जाते हैं। कौन पहले बुलाता है आपके आपकी मिसेज? ज्यादातर शुरुआत तो मुझे ही करनी पड़ती है। मिसेज थोड़ी सी जो है वो एक फीमेल एटीट्यूड होता है सबके अंदर, लेकिन ये है कि मोस्टली गलती भी मेरी होती है जिस वजह से वो नाराज हो गई होती है। कुछ कहना चाहेंगे हमारे देखने वालों के लिए, कोई एक मैसेज? बिल्कुल, मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों के अंदर कोई टैलेंट है और आप लोग अपने पास उसको छुपा के रख रहे हैं, आप किसी भी वजह से घबरा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग हमारा लाहौर के अंदर LOS रोड करतबा चौक पे ऑफिस है, आप लोग आके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे ऑफिस में है, मैं आपको डिफरेंट, जो लोग बेरोज़गार हैं जिनके पास काम नहीं है वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरी कंपनी में आए, मैं आप लोगों को अच्छे काम दूंगा, आप मंथली 40 से 50 हज़ार रुपया आराम से कमा सकते हैं। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ बोला कि छोटे भाई मौजूद थे जिनका रियल नाम है फराज अहमद। इनके बारे में आपने जाना ही, मिमिक्री भी बहुत अच्छी करते हैं, हर तरह का एक्ट इनके अंदर है, मौजूद है। इसी के साथ अपनी होस्ट मिशी खान को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। अब तक ले, खुदा हाफ़िज़।